आज सुबह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर स्पाइसजेट के विमान से गगल हवाई अड्डे पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2004 और 2019 में भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों सीटें नरेंद्र मोदी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश फिर एक बार चारों सीटें भाजपा को जिताकर मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि पीएम मोदी को आज देश ही नहीं दुनिया पसंद करती है। दुनिया भारत के नेतृत्व में एक उम्मीद देखती है। वहीं उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर एचपीसीए निदेशक संजय शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज में जा रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ ना मिल पाया, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला, वो भी आकर अपने जो अनुभव है वो मेरी कहानी मेरी जवानी के माध्यम से बता रहे हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ नल से जल और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत से, तो वहीं पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक भी मुफ्त मिलता रहेगा। जो नए लोग हैं जिनको मकान चाहिए या अन्य केंद्र की योजनाओं की सौगात चाहिए, वो भी यहां पर आकर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत पर देश के अब तक 39 लाख युवा रजिस्टर कर चुके हैं और वो विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। myBharat.gov.in पर वो रजिस्टर कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं।